काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां के कण कण में शिव विराजमान है, जहां की गली गली और चप्पा चप्पा हर हर महादेव के जयकारों से सदैव गूंजता है, जहां रोम रोम में शिवत्व है। काशी देश के करोड़ों अरबों लोगों के लिए आस्था का वैसा ही एक पवित्र केंद्र है जैसे रामलला की नगरी अयोध्या और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। पिछले कुछ महीनों से कोर्ट में लगातार काशी ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई हो रही है, लेकिन बीते 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके बाद शिव भक्तों की ज्ञानवापी को लेकर उम्मीदें दोगुनी हो गई और उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि अब अयोध्या के बाद काशी के लिए भी उनकी मुरादें पूरी हो जाएगी। दरअसल 31 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में कोर्ट द्वारा पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया गया, जिसके बाद से महादेव के भक्तों का जोश हाई हो गया और भक्त लाखों की संख्या में हर दिन दर्शन पूजन करने काशी पहुंच रहे हैं और मंदिर को खूब दान भी दे रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या शुरू शुरू में जिसमें यह आदेश आया उसमें दो दिनों तक संख्या बहुत अधिक रही, लगभग 1.5 लाख तक दर्शनार्थी आते थे। इधर थोड़ी ठंड बढ़ जाने से एक नियमित दर्शनार्थियों की 1,10,000 15,000 ऐसे ही रह रही है। ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद श्रद्धालुओं का कहना है कि ये उनके लिए एक प्रकार की धार्मिक आज़ादी है। ये तो एक समझ लीजिए कि लगता है कि आज़ादी के बाद हमें जो है इस जिला जज के निर्णय के बाद एक ऐसी आज़ादी धार्मिक मिली है जिसमें हमारे भगवान हमारे प्रभु जो पूजित नहीं होते थे उन मूर्तियों का पूजन हो रहा है, तो चढ़ावा तो अपनी इच्छा से श्रद्धालु जो भी भाव होता है उस भाव से चढ़ा रहे हैं वहाँ लगातार आ करके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने के बाद से व्यास तहखाने के खजाने में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और हर दिन भक्त जमकर दान दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को पिछले महीने 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। इस बात की जानकारी खुद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय ने दी। आमदनी का जहाँ तक हिसाब है महीने के अंत में टोटल आमदनी को हम लोग तय करते हैं, उसकी आडिट होती है और व्यवस्थित उसका हिसाब रखा जाता है। ये हिसाब ये 5 करोड़ के आसपास है, कुछ अधिक ही है, उससे कम नहीं है। 5 करोड़, 10 लाख, 5 लाख ऐसे बढ़ता है। नागेंद्र पांडेय का कहना है कि कुछ दिनों बाद जब ठंड का सितम कम हो जाएगा तो भक्तों की और भी ज्यादा भीड़ दिखाई देगी, खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर, और बाबा विश्वनाथ के चढ़ावे में भी भारी इजाफा होगा। जैसे भी फाल्गुन आएगा तो काफ़ी मात्रा में दर्शनार्थी भी बढ़ते हैं और चढ़ावा भी बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि आ गई तो इस पर और अधिक संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और उसी हिसाब से उसकी बुकिंग भी होती है। तो मुझे लग रहा है अभी जो स्थिति चल रही है बहुत अच्छी है, हम लोग यही मानकर आगे की योजना बना रहे हैं। वहीं काशी में तेजी से हो रहे परिवर्तन के लिए शिवभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि ज्ञानवापी मामले में भी अयोध्या राम मंदिर के तरह ही फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से मंदिर ही था जिसे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने जबरन तोड़ दिया था। श्री मोदी जी के नेतृत्व में इनके प्रयास से और बाकी हमारे कोर्ट के डिसीजन से जो यह कार्य हुआ है यह ऐतिहासिक है और यह भारत के इतिहास में यह नए युग का परिवर्तन है। व्यास मंदिर खुल गए उसमें आज देखिए पुरातात्विक सर्वेक्षण के आधार पर पूरा निर्णय हो चुका है कि पूर्व में यह मंदिर था जिसको कि हमारे आताइयों ने इसको जो है तोड़ के मस्जिद का रूप दिया, तो अति प्रसन्नता है, अति हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। भोलेनाथ की नगरी का दृश्य वाकई में अद्भुत हो गया है और यही कारण है भक्त भारी संख्या में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ लाखों करोड़ों का चढ़ावा अर्पित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।